हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपकी रिक्वेस्ट पर फोनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट रूल्स ऑफ श्वा डिस्कस करने वाला हूं। अब जो श्वा साउंड होता है हमारा इंग्लिश में, हमारे फोनेटिक्स में, वो सबसे शॉर्ट साउंड होता है, उसको हम बोलते हैं आधा ए हम बोलते हैं। अब ये जो श्वा साउंड होता है ये मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में आ जाता है, तो स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कहां हम श्वा यूज करें या कहां श्वा ना यूज करें, और उनकी यही कंफ्यूजन के कारण बहुत सारे वर्ड्स गलत हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं और मैं श्वा से रिलेटेड सारे रूल डिस्कस करने वाला हूं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, यूज ऑफ श्वा। अब श्वा का सिंबल तो आपको पता ही होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ श्वा एंड इट्स। अब इसके कौन कौन से रूल हैं जिसकी सहायता से आप बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हो, उनकी ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, क्योंकि जो फोनेटिक्स का टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, एमए, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ट्रांसक्रिप्शन आती है। तो क्या रूल है? पहला रूल सुनिए कि एट द एंड ऑफ वर्ड्स, अगर आपको एट द एंड ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड के एंड में, एट द एंड ऑफ एनी वर्ड अगर आपको क्या मिल जाता है, ई आर, ए आर, ओ आर, आर ई, यू आर ई, तो ये सारे के सारे एट द एंड ऑफ एनी वर्ड्स ये क्या बन जाते हैं? श्वा बन जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एफ ए टी एच ई आर। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ई आर आ रहा है, तो ये ई आर अब क्या बन जाएगा? श्वा बन जाएगा। अब इसको कैसे बोलेंगे? फादर, फादर। तो पहले हमारी क्या साउंड आ रही है? फ, फिर देन देयर इज अ साउंड ऑफ आ, देन द, एंड दैट्स श्वा। सो इट्स फादर, हमारा ई आर क्या बन गया? श्वा बन गया। तो आपने क्या ध्यान रखना है, अगर कोई भी वर्ड ई आर, ए आर, ओ आर, आर ई, यू आर से एंड होता है तो ये सारे किसमें बदल जाएंगे? श्वा में। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर, डॉक्टर। मैं आर नहीं बोल रहा, अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, आर को बोला जाता है, वो क्या बोलेंगे? फादर एंड डॉक्टर। यस, इट्स डॉक्टर, इट्स फादर। ब्रिटिश इंग्लिश को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ओ आर आ गया, इसको हम श्वा में बोल देंगे, तो दैट्स डॉक एंड। सो दिस इंपॉर्टेंट रूल आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी वर्ड के एंड में ई आर, ए आर, ओ आर, आर ई, यू आर आ जाएगा तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे? श्वा में चेंज कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल। कम टू द सेकेंड रूल ऑफ श्वा, कि श्वा कहां यूज होता है, दिस इज द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर किसी वर्ड में टू सिलेबल हो, किसी वर्ड में टू सिलेबल हो और दूसरे सिलेबल में क्या है, ए की आवाज आए, देयर आर टू सिलेबल्स इन ए वर्ड, एक वर्ड में दो सिलेबल हो एंड देयर इज द साउंड ऑफ अ, और देयर इज द साउंड ऑफ अ इन द सेकेंड सिलेबल, इन द सेकेंड सिलेबल, सेकेंड सिलेबल में ए की आवाज आए तो हम सेकेंड सिलेबल में क्या लगाएंगे? श्वा लगाएंगे। किसमें? इन द सेकेंड सिलेबल। ठीक है, अगर साउंड हमारी क्या है, अगर हमारी साउंड आती है ए की, अगर दो सिलेबल है किसी वर्ड में और दूसरे सिलेबल में ए की आवाज आ रही है तो हम कौन सा साउंड लगाएंगे? श्वा। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं एग्जाम्पल, टी एच ओ यू एस सी एन डी। अब देखिए इसको बोलिए वर्ड को, इसमें दो सिलेबल है, थाउजेंड, थाउजेंड। अब दूसरे सिलेबल में किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है, तो अब यहां पे हम श्वा लगाएंगे, इसको कैसे बोलेंगे? थाउजेंड, थाउजेंड, थाउ एंड जेंट। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस रूल, कि वेन एवर इन द सेकेंड सिलेबल देयर इज द साउंड ऑफ अ, सो देन वी यूज श्वा। वन मोर एग्जाम्पल इज एस ई सी ओ एन डी। अगेन इफ वी प्रोनाउंस दिस वर्ड, इस वर्ड को बोलते हैं, देखो दोबारा इसमें दो सिलेबल है, सेकंड, सेकंड, और अब दूसरे में क्या आ रहा है? ए की आवाज आ रही है, हम इसका बोलेंगे सेकंड, इट्स श्वा। So again, we will use schwa in the second syllable. This is the second rule. कि अगर किसी वर्ड में दो सिलेबल हो, दूसरे सिलेबल में अ की आवाज आती है तो हम श्वा लगाएंगे। What is the third rule? थर्ड रूल ये कहता है कि अगर किसी वर्ड में थ्री सिलेबल हो, थ्री सिलेबल, किसी वर्ड में थ्री सिलेबल हो
और दूसरे सिलेबल्स में क्या आ जाए, अ की आवाज आ जाए, दोबारा हमारी अ, इट्स करेक्ट बन, इट्स अ, और अब बोलने में ए बोल जाते हो। तो अगर किसी वर्ड में थ्री सिलेबल्स हैं और दूसरे सिलेबल में ए की आवाज आती है, आप ए पूरा बोलते हो तो भी हमारा श्वा लगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ब्लैकबेरी। अब देखो इसमें तीन है हमारे, अगर बोल के देखिए ब्लैक बेरी, तीन सिलेबल है और तीसरे सिलेबल में ए की आवाज आ रही है, आप इसको बोल के देखिए ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी, ब ब बैक ब, अ की आवाज आ रही है, तो हम दूसरे सिलेबल में क्या लगाएंगे, श्वा लगाएंगे, इट्स ब्लैक बेरी, ब्लैकबेरी, क्लियर। एंड सिमिलरली देर आर सो मेनी अदर वर्ड्स ऑल्सो, rushberry is there, rushberry is there. So in this way आपको रूल क्या ध्यान रखना है, अगर किसी वर्ड में थ्री सिलेबल हो और दूसरे सिलेबल में अ की आवाज आती है तो हम क्या लगाएंगे, श्वा लगाएंगे। What's the fourth rule? Fourth rule ये कहता है कि जिस भी सिलेबल पे स्ट्रेस लगती है, जिस भी सिलेबल पर स्ट्रेस लगती है, इफ आई राइट द रूल ये क्या है, क्या कहता है, On the immediate syllable, preceding the stressed syllable. Now, what is that rule? ये rule ये कहता है कि जिस भी syllable पे stress लगती है, अगर उससे तुरंत पहले वाले सिलेबल में, उससे तुरंत पहले वाले सिलेबल में हमें क्या दे रखा हो, ओ ए ई आर, ओ आर, यू आर, आर ई, तो ये सारे क्या बन जाते हैं, श्वा बन जाते हैं। जहां स्ट्रेस लगती है, अगर उससे तुरंत वाले सिलेबल में हमें ए ओ ई आर, ओ आर, यू आर, आर ई दे रखा हो तो श्वा बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स ability, इस वर्ड को देखते हैं ability, और फोनेटिक्स में क्या रूल होता है कि अगर कोई वर्ड अटी से एंड होता है, आईटीवाई से एंड होता है, तो स्ट्रेस कहां लगती है, पीछे से तीसरे सिलेबल पर, थर्ड सिलेबल फ्रॉम द बैक, तीसरे से, पीछे से तीसरे सिलेबल पे लगती है। अब हमारी स्ट्रेस कहां लगेगी, यहां लगेगी। एक मैं आपको फोनेटिक्स में आके दिखाता हूं, पहले आपको थ्री सिलेबल आगे बी ल ची, अब हमारी स्ट्रेस यहां लगेगी। रूल क्या कहता है, जहां स्ट्रेस लगती है, अगर उससे तुरंत पहले आपको क्या दे रखो, ए ओ ई आर, ओ आर, यू आर, आर ई, तो वो क्या हो जाएगा, श्वा। अब हमारा क्या बच गया, ए बच गया, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, श्वा हो जाएगा। स्ट्रेस से रिलेटेड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि स्ट्रेस के कौन कौन से रूल है, स्ट्रेस कहां कहां लगती है। आज जो मेरी वीडियो है वो श्वा पे है, कि श्वा कहां कहां पे आता है। एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं, अब देखिए, अब इसमें हमारी स्ट्रेस कहां लगेगी, यहां लगेगी, और अब यहां जो स्ट्रेस लगे उससे पहले क्या दिया हुआ है, ये हमारा ओ दिया हुआ है, तो ये हमारा जो ओ है ये क्या बन जाएगा, श्वा बन जाएगा। क्योंकि रूल होता है, अगर स्ट्रेस, अगर कोई वर्ड शन से एंड होता है तो स्ट्रेस क्या लगती है, उससे पहले वाले सिलेबल पे लगती है। एक बार बनाते हैं इसको, हम शन राई हमने लगा दी स्ट्रेस, उससे पहले क्या दिया हुआ ओ, तो ये क्या बन जाएगा, श्वा। तो इट्स अ डेकोरेशन, डेकोरेशन। तो इस प्रकार आपने रूल ध्यान रखना है, जहां भी स्ट्रेस लगती है अगर उससे तुरंत पहले आपको क्या मिल जाता है, ए ओ ई आर, ओ आर, आर ई या आर ई, तो वो क्या बन जाएगा, आपका श्वा बन जाएगा। दिस इज द फोर्थ रूल, यू मस्ट रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल। कम टू द फिफ्थ रूल। अब फिफ्थ रूल क्या कहता है, अगर कोई प्रीफिक्स, प्रीफिक्स तो आप जानते होंगे, वर्ड्स अटैच्ड बिफोर द रूट वर्ड्स, रूट वर्ड से पहले जो हमारे जो वर्ड्स लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि हमने वर्ड लगाया बिकम, अब बिकम में कम हमारा रूट वर्ड था, बी हमारा क्या जी, प्रीफिक्स है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, अगर किसी प्रीफिक्स में ओ या ए दे रखा है तो ये क्या बन जाएंगे, श्वा बन जाएंगे। किसी प्रीफिक्स में ओ और ए दिया हुआ तो वो श्वा बन जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टी ओ डी ए वाई,
अब देखो इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है जी, डे, डे, और टू हमारा क्या जी, प्रीफिक्स है, तो यहां पर ओ आ गया प्रीफिक्स में, तो हमारा श्वा बनेगा, तो इसको हम क्या बनाएंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, टुडे। ओके, नाउ इसमें हमारा टू आ गया। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, फॉर एग्जांपल बी ए डबल एल डबल ओ एन। अब देखिए इसमें हमारा मेन वर्ड कौन सा, लून, बी ए हमारा प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में ए आ गया, तो फिर ये क्या बन जाएगा, श्वा बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, बलून, बलून। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, ए डबल टी ई एस टी। अब इसमें मेन वर्ड टेस्ट है, ए हमने प्रीफिक्स यूज किया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, श्वा बन जाएगा, अ टेस्ट। तो आपने ध्यान रखना, अगर किसी प्रीफिक्स में ओ और ए दिया हुआ है तो भी वो क्या बन जाएगा, श्वा बन जाएगा। दिस इज द फिफ्थ रूल। कम टू द सिक्स्थ रूल। अब सिक्स्थ रूल क्या कहता है, सिक्स्थ रूल ये कहता है कि हमारे इंग्लिश में जो फोनेटिक्स है उसमें क्या होते हैं, हेट्रोनिम होते हैं। अब हेट्रोनिम का मतलब क्या होता है, हेट्रोनिम का मतलब क्या होता है, वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है बट डिफरेंट प्रोनंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग, मींस वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग्स, द वर्ड्स आर कॉल्ड हेट्रोनिम। अब इंग्लिश में हमारे ऐसे बहुत सारे हेट्रोनिम्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ब का काम भी करते हैं और नाउन और एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, इसलिए उनका स्ट्रेस पैटर्न भी अलग होता है। जब वो नाउन और एडजेक्टिव का काम करते हैं तो स्ट्रेस हम फर्स्ट सिलेबल पे लगाते हैं, जब वो वर्ब का काम करते हैं तो स्ट्रेस हम सेकेंड सिलेबल पे लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे आते भी हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जब हेट्रोनिम, इट्स व्हेन हेट्रोनिम, हेट्रोनिम का प्रयोग एज ए वर्ब हो, जब उसका प्रयोग एज ए वर्ब हो तो, और वर्ब हो और उसमें क्या दिया हो, फर्स्ट सिलेबल में, एज ए वर्ब अगर किसी वर्ड का हो तो फर्स्ट सिलेबल में अगर आपको क्या मिल जाता है, ई आर, आर ओ, यू आर, तो आप उसको किस में बदल दोगे, श्वा में बदल दोगे। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाईएस्ट एक आपको ओ भी मिल जाए, सी ओ एन डी यू सी टी। अब ये जो वर्ड है इसको हम एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं, एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं, एक्रोनिम ये होते हैं वर्ड्स, मैंने वो डेफिनेशन दे दिए। मैंने आपको बताया अगर वर्ब में, अगर वर्ब के फर्स्ट सिलेबल में आपको ओ ई आर आर ओ यू आर दे रखा तो वो श्वा बन जाएंगे। अगर मान लो इसको वैसे बोलेंगे, इसको पहले वर्ड को बोलेंगे कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट का मतलब क्या होता है, बिहेवियर, व्यवहार होता है, और जब इसकी हम प्रोनंसिएशन चेंज करेंगे तो मीनिंग भी चेंज हो गया, इसको प्रोनंसिएशन में बोलेंगे कंडक्ट। अब कंडक्ट का मतलब क्या होता है, टू ऑर्गेनाइज, इन्हें ही हम हेट्रोजिन, हेट्रोनिम कहते हैं। हेट्रोनिम मींस वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट प्रोनंसिएशन। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम सी ओ एन डी यू सी टी को अगर हम एज ए वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि मैंने वर्ब पैटर्न बताया था कि जब ये एज ए नाउन आते हैं तो स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पे लगती है, जब एज ए वर्ब आती है तो स्ट्रेस सेकेंड सिलेबल पे लगती है। अब देखो स्ट्रेस हमारी यहां लगेगी सेकेंड सिलेबल पे, इसमें दो सिलेबल है सी ओ एन डी सी टी, और मैंने क्या बताया अगर आप वो फर्स्ट सिलेबल में अगर आपको ओ ई आर आर ओ यू आर दे रखो तो वो श्वा हो जाएगा। अब इसका बना के देखते हैं, इसको श्वा बना देते हैं कन, और ये हमारा क्या हो गया डक्ट, तो क्या हमारा बन गया कंडक्ट। तो देखो हमने हेट्रोनिम को जब हम एज ए वर्ब यूज करेंगे, उस वर्ड को एज ए वर्ब यूज करेंगे तो उसके फर्स्ट सिलेबल में ओ आया तो उसको श्वा बना दिया। एक एग्जांपल मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा हेट्रोनिम का, एंड दैट इज पी आर ओ डी यू सी ई। फिर देखिए अब इसको हम दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, एज ए नाउन भी, एज ए नाउन इसको बोलते हैं प्रोड्यूस, और एज ए वर्ब प्रोड्यूस। अब स्ट्रेस हमारी यहां लगनी है सेकेंड सिलेबल पे लगनी है, अब यहां पे ओ आर आ गया, सॉरी आर से पहले ओ आ गया, तो इस ओ को क्या बना देंगे हम, श्वा बना देंगे, तो कैसे बनेगा प्र ड्यूस,
सो ये हमारा क्या बन गया, प्रोड्यूस। फिर हमारा ओ आया तो हम उसको क्या बना दिया, हमने श्वा बना दिया। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो वो कौन सा होगा, पीई आर एम आई टी। अब इसको एज ए वर्ब यूज करेंगे, स्टेस हमारे सेकेंड लेवल पे लगेगी। अब फर्स्ट लेवल में ई आर दिया हुआ तो इसको हम क्या बना देंगे, श्वा प, और ये हमारा क्या बन गया, मिट। इट्स पमिट, पमिट है ना, इट्स पमिट। और एज ए नाउन यूज करेंगे तो क्या बनेगा, परमिट। एज ए वर्ब पमिट। तो ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, एज इन हेट्रोनिम हम श्वा कहां लगाएंगे। सेवंथ द लास्ट रूल इसका क्या है, वो किसमें यूज होता है, इन सो मैनी सफिक्सेस। अब सफिक्सेस तो आप जानते होंगे, वो वर्ड्स जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्सेस कहते हैं। जैसे मैंने ईआर बताया था, जैसे टीच, टीच। अब टीचर में मेन वर्ड हमारा टीच था, ईआर उसके पीछे लगा, सफिक्स लग गया, तो ईआर को हमने क्या बना दिया, श्वा। तो ऐसे बहुत सारे सफिक्सेस होते हैं जिसमें हम श्वा का यूज करते हैं। मैं कुछ मेन मेन आपके साथ डिस्कस करता हूं, उसकी लिस्ट मैं वीडियो में नीचे डाल दूंगा सारी कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड यूज किया, इट्स फनी। अब इसको क्या बनाएंगे, फनी। ये सफिक्सेस है हमारे, गम्मी, गम्मी श्वा आ जाएगा हमारा। इट्स मटरी, मटरी इज देयर, M-E-N-T, munt is there. Similarly, अगर हम देखें तो A-N-C-E, unce, E-N-C-E, unce. Clear? Similarly, graffy, G-R-A-P-H-Y, graffy, L-O-G-Y, sorry, L-O-G-Y, इट्स लज्जी, लज्जी, ग्रफी, मटरी, सी आर ए सी वाई, क्रसी। तो एंडलेस हमारे काफी सारे सफिक्सेस है, कुछ कुछ मैंने मेन डिस्कस कर ली हैं। तो इन सफिक्सेस में हम क्या लगा रहे हैं, श्वा लगा रहे हैं। बाकी मैं लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आपके इसके। फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड लिया सिंफनी। अब ये फनी आ गया तो इसमें हमारा श्वा लगेगा, सिम फनी, सिंफनी, सिंफनी। एक और लेते हैं, फॉर एग्जांपल पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी, साई कॉलोजी, साइकोलॉजी। तो हमारा क्या आ गया, श्वा। तो इस प्रकार ये आपके सेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है श्वा के, कि श्वा को हम कहां यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस वीडियो को देखने के बाद आप फोनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स की ट्रांसक्रिप्शन, अब जहां आपको प्रॉब्लम हो रही थी, श्वा बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता था, आप उसको बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे और अच्छे ढंग से इन वर्ड्स को करेक्टली बोल पाओगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमें कुछ समझ में आया, हमने कुछ सीखा, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट